everyone, welcome to another 4 AM study vlog. I hope you all are doing great and studying well. So जी आज की फिर से मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है कड़क कॉफ़ी के साथ और उसके साथ मैं कर रही हूँ बायोलॉजी. एंड जी इसके साथ मुझे करनी है इसके बाद ये जो DPs रखी हैं. चलो अपने दिन की शुरुआत करते हैं विद लॉट ऑफ पॉजिटिविटी. सो मैंने स्टार्ट किया अपना बायोलॉजी के साथ ही और मैं यहाँ पर बना रही हूँ अपने केमिस्ट्री के नोट्स. और ये जो चैप्टर है ये लोकोमोशन हमारी क्लास में ही चल रहा है तो जो लास्ट लेक्चर था मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए थे. सो इसलिए मैं अपनी NCERT में इसको नोट डाउन कर रही हूँ. और रीज़न मैंने आप लोगों से शेयर किया था ना कि नोट्स बनाए वो पढ़ने का मन नहीं किया, प्रिंट आउट निकाला वो पढ़ने का मन नहीं किया, फिर फाइनली सॉल्यूशन ये निकाला कि NCERT में ही लिख लेते हैं यार, क्योंकि NCERT को बार बार आपको देखना है. साइड में नोट्स लिखे होंगे तो वो भी रिवाइज हो जाएंगे. एंड सच में सर ने इतने अच्छे से कराई है ना कि जैसे NCERT की लाइन होती थी ना, पहले पता था हाँ ये लाइन है, लेकिन अब बिल्कुल उससे बिल्कुल ये पता होता है कि हाँ ये एक्चुअल में क्यों है, क्योंकि सर ने ना बिल्कुल उसको ऐसे एक्सट्रैक्ट कर दिया है ना, ब्रेन में सेट BMS या तो सर का फेमस डायलॉग है ना. तो सच में मुझे जब ये चैप्टर कर रही थी ना तो मुझे बिल्कुल वो फील हो रहा था कि हाँ कैसे एकदम मतलब सर ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया. तो जी यहाँ पर मैं अभी अपनी यही कर रही हूँ, उसके साथ ना मैं अब यही करूँगी इसके बाद अपने NCERT के नोट्स जो मैंने खुद से बनाए हैं. सो आप ये कीजिए जैसे कि मतलब मेरा छोटा सा पॉइंट है, जैसे आप बायोलॉजी कर रहे हैं ना जो क्लास में चल रहा है ना उसके साथ साथ NCERT की खुद से रीडिंग कर लिया करो, मतलब जितनी बार हो सके. जैसे मेरे खुद के तो अपने नोट्स NCERT के, ये पूरी NCERT के, इसलिए मैं NCERT को करती हूँ बट इसको ज़्यादा फोकस करती हूँ. तो मैं ये डेली रिवाइज कर लेती हूँ. जैसे एक पर्टिकुलर चैप्टर चल रहा है तो जब तक वो चैप्टर होगा इसका जितनी बार रिविजन होगा इतना अच्छा होगा. सो ये मेरा छोटा सा एक पॉइंट है जिस तरीके से मैं अपने बायोलॉजी को रिवाइज कर लेती हूँ. और NCERT बेस्ड क्वेश्चन को आपको ज़रूर से प्रैक्टिस करना है. और बायोलॉजी में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो उसका इशू हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजी को भी आप हल्के में मत लेना. सो अब चलते हैं हम अपने स्टडी रूम में, क्योंकि अब यहाँ पर पढ़ते पढ़ते मैं हो गई थी थोड़ा सा बोर. और जी ये आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू हो रहा है ना, सीरियसली कितने दिन मिस किया ना मैंने इसको. अच्छा एक छोटा सा पॉइंट और शेयर करना था मुझे आप लोगों से कि जैसे ना ये होता है कि मुझे पूछा भी था और मेरा मन भी था बताने का आप लोगों से शेयर करने का कि जैसे कि मेरा ड्रॉप ईयर है तो मैं किस तरीके से फेस करती हूँ सिचुएशंस को, या कभी ऐसी सिचुएशन आई जहाँ पर मैंने बहुत डिमोटिवेट सा फील किया. तो पहले तो मैं ये बोल देती हूँ कि मतलब हमेशा पॉजिटिव रहना भी ना ये भी नेगेटिव चीज़ है विच आई फील सो, क्योंकि जब तक आप ना दोनों चीज़ को सोच के नहीं चलेंगे ना तो आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे और ये सही नहीं होता. तो इसलिए ना मैं तो ये मानती हूँ कि पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है, आपके अंदर मोटिवेशन होना ज़रूरी है, बट उसके साथ आप नेगेटिव चीज़ को भी थोड़ा सोच के चलें सो दैट उस कम्फर्ट जोन से आप बाहर निकल सकें. तो ना इसका एक एग्जाम्पल ये है कि अभी पता है क्या हुआ, रिसेंटली मेरे फादर के फ्रेंड की कॉल आती है उनके पास, उन्हें कुछ काउंसलिंग से रिलेटेड पूछना था. तो मुझे थोड़ा सा मतलब इसका आइडिया है बींग ए ड्रॉपर, मतलब ड्रॉपर तो खैर उनकी बेटी भी थी बट उन्हें आइडिया नहीं होगा. सो उन्होंने मुझसे पूछा था कि किस तरीके से उनको डिपॉजिट करने हैं वहाँ पर कैश. सो पूछते पूछते ना उन्होंने मतलब उनको मेरे मार्क्स बताए क्योंकि उनके पास मेरा रिजल्ट गया है जितने भी ड्रॉप थे. तो उन्होंने मुझसे सीधा बोला कि मार्क्स तो आपके बहुत अच्छे थे, आपने मतलब कॉलेज नहीं मिला, फिर मेरा ड्रॉप का बता के इतने ड्रॉप हो गए. और फिर हंसने लगे, इतना गंदा फील हुआ मुझे, लाइक कि एज में आप जितने बड़े हो ना मेंटेलिटी से इतने छोटे हो. फिर मैंने उनको बोला कि अच्छा आप 2 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं ना अंकल, मतलब प्राइवेट में करा रहे हैं. तो फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला. तो मतलब उनकी बेटी ने भी ड्रॉप लिया था उसके बाद भी, मतलब वो अब प्राइवेट में करा रहे हैं. तो फिर यहाँ पर उसके बाद उनका ना बोलने का रीज़न यही था कि वो समझ गए थे मैं क्या बोलना चाहती हूँ उनको. बट सिंपल एक पॉइंट है कि मतलब आप किसी को नीचा मत गिराइए, मतलब ये अच्छा पॉइंट नहीं है. मैंने उनको कोई मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं किया बट हाँ एक पॉजिटिव वे में उनको मैंने जवाब दे दिया, इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला एंड अपनी बात पूछ के रख दिया. तो जी इस तरीके से सिचुएशन को आपको भी ना फेस करना चाहिए. लाइक अगर कोई सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है तो आपको ना उसको या तो रोना भी नहीं है, माइंड में भी लेकर नहीं बैठना, लेकिन ये भी नहीं कि आप उससे बदतमीजी करने लगें. आप कुछ ऐसा बोले जिसके बाद उसकी ही बोलती बंद हो जाए. तो ये मेरा तरीका था. बट हाँ उसके बाद ये हुआ कि मुझे डिमोटिवेशन फील हुआ, मैं रोई थी और फिर मैंने अपनी छोटी सिस्टर मतलब उसने मुझे बताया बोला, मतलब बेसिकली वो मुझे बहुत समझाती है. तो उसने पता मुझे ये एक बात बोली कि जिन लोगों से तुम्हें लाइफ में कोई मतलब ही नहीं तो उनकी बातों को दिल से क्यों लगाना. फिर मैंने भी सोचा हाँ पॉइंट तो सही है. बट हाँ उसके बाद एक चीज़ है कि आपको अगर सच में कुछ करना है ना तो आप सोचें अपने सबसे नेगेटिव पॉइंट को सोचें कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये हो सकता है. अगर आप ऐसा सोचेंगे तो खुद ब खुद मन करेगा आपका पढ़ने का. तो ये छोटा सा पॉइंट था मुझे शेयर करना था कि देखो ऐसा नहीं होता कि मुझे कभी डिमोटिवेशन फील नहीं होता.
बट द मेन पॉइंट इज आप उसको कैसे ओवरकम कर रहे हैं। तो यही मेरा छोटा सा पॉइंट था कि आपको इस तरीके से अपने आप को मतलब हैंडल करना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपने फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, तो आपको बिना फिजिक्स में और केमिस्ट्री के फिजिकल पार्ट में जितना हो सकता है ना न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ना उससे क्वेश्चन आपके स्ट्रॉन्ग बनेंगे। आप मतलब थ्योरी जितनी भी बार करेंगे ना, लेकिन आपको अप्लाई करना जब ही आएगा जब आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। और मैं तो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड आप लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि अब नेक्स्ट चैलेंज कब होगा, तो जी देखो ये जो मॉर्निंग चैलेंज है ये हमारा कंटिन्यू रहेगा, ऐसे नहीं है। और मैं डेली मतलब कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी ही जब तक मुझसे हो सकता है। बट हाँ, उसके साथ हम नेक्स्ट वीक ना चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं, पहले 6 आवर सेल्फ स्टडी का 1 वीक के लिए, फिर उसके बाद हम ना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी चैलेंज इसी तरीके से करेंगे। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा फील हो रहा है। सीरियसली मैं अपना पॉइंट बताऊँ तो मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब ये था, मैं बताती हूँ कि मैं ना आज ना बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मेरा मन नहीं था मतलब उठने का। मतलब मुझे अप्रॉक्स 12 हो गए थे रात को, तो 4 AM मैं उठने वाली नहीं थी। फिर सडनली मुझे याद आया कि मैंने तो खुद ने चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है, मैं खुद ही सो जाऊंगी तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। एंड सडनली मैं उठ के बैठ गई और फिर मैंने अपने पढ़ने लगी। और सच में ऐसे नहीं कि मेरी प्रोडक्टिविटी कम थी, नहीं, मेरी प्रोडक्टिविटी भी बिल्कुल ऐसी थी जैसी होनी चाहिए। उससे मुझे फील हुआ कि हाँ सच में ये चैलेंज बहुत सही मैंने स्टार्ट किया था। और हाँ, एक ये है कि लाइक जिसको मतलब पार्टिसिपेट करना है वो मॉर्निंग में उठना भी चाहते हैं, नाइट स्टडी की वजह से उन्हें हेल्थ इश्यू हो रहे हैं। तो एक मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगी, आप दोनों में से जो फॉलो करना चाहें वो फॉलो कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि मतलब आप ना एक काम कीजिए कि एकदम से ना स्टार्ट मत कीजिए कि आज ही से आपको 4 AM उठना है। आप पहले धीरे धीरे मतलब रूटीन को 1 आवर या 30 मिनट्स पीछे कीजिए कि हमें 2 दिन तक मतलब 7 AM उठना है, फिर 2 दिन बाद आप उसको 6:30 या फिर 6 कर दो। ऐसे करते करते 1 वीक में आप सेट कर लो, एकदम से मत करो। और जो दूसरा पॉइंट है वो सच में बहुत काम करता है एंड ये मैं नॉर्मली फॉलो करती हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे आप सोने वाले हो, है ना, तो उस टाइम आप क्या कीजिए कि जितना हो सकता है ना पानी पी लो और आपको फिर अलार्म की भी नीड नहीं होगी। और ये सच में होता है, ये मतलब आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग बताते भी हैं और मैं इस चीज़ को फॉलो भी करती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि आपको अलार्म की भी नीड नहीं पड़ती, आप खुद ब खुद उठ जाते हैं। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और सेकेंड वाला बेस्ट है, अगर आप चाहें तो ये ट्राई कर सकते हैं। तो जी, इस तरीके से आप अपना रूटीन सेट कर सकते हैं। एंड और देखो, अब दिवाली तो हो गई है ओवर, तो अपना टाइम बहुत ज़्यादा पीक टाइम स्टार्ट हो गया है। मतलब अब आपको ना पूरा फोकस करना चाहिए अपनी स्टडी पे। और यहाँ पर मैं 2 टाइप के स्टूडेंट की बात करूँगी, तो उसमें से आप सोचें ना आप कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। पहले स्टूडेंट वो जिनको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम है तो वो क्या करेंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो हैं जिनको लगेगा टाइम बहुत कम है और सिलेबस हमारा नहीं हुआ। तो देखो, पहली बात ये, जो ये सोच रहे हैं कि टाइम बहुत कम है, तो आप अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग चलते रहिए, जितना वो करा रहे हैं उसको फॉलो करो। तो देखो, टाइम कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है फिर उसको करने के लिए। और जो दूसरे स्टूडेंट है जो ये सोच रहे हैं टाइम बहुत ज़्यादा है, तो ये सोचना कि एग्ज़ाम में जो वो 3 आवर्स है ना उसको मैनेज करने के लिए भी आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके लिए टाइम बहुत कम है। तो इससे क्या होगा ना, दोनों टाइप के स्टूडेंट को समझ आ जाएगा किस तरीके से आपको खुद को मैनेज करना है, सो दैट अपनी आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी मतलब अपना मैक्सिमम टाइम अपनी स्टडी को दे सकें, है ना। तो ये पॉइंट होता है। और पता है लाइफ में ना ये मतलब आपको न्यूट्रल बन के, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब आप हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव सोचें या फिर नेगेटिव ही नेगेटिव सोचें। इस टाइप में आप कंफर्ट जोन में चले गए ना, तो फिर वहाँ पर या तो आपको डाउनफॉल होगा या फिर आप इतने पीक पे चले जाएंगे ना कि छोटा सा पॉइंट भी अगर आपकी लाइफ में गलत हो गया ना तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा लाइफ में ना दोनों ही पॉइंट को सोच के चलना चाहिए। मैं ये स्टडी से रिलेटेड भी बोल रही हूँ, अपने लाइफ में जो भी चीज़ आप करेंगे उससे भी रिलेटेड मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो जी, ज़रूर से इस ना मॉर्निंग चैलेंज में ट्राई करें ना पार्टिसिपेट करने का। और जिन लोगों ने दिवाली पे बहुत मिठाई खाई या फिर इतना एक्स्ट्रा खा लिया कि वो बीमार पड़ गए, तो उनके लिए एक एडवाइस है कि आगे से ध्यान रखो अपनी हेल्थ का, क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए ना तो कैसे ये आपका नवंबर मंथ जाएगा, कैसे जनवरी आएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा। और दिसंबर में इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि उसका तो सच में पता नहीं चलता, सीधा अब आपको ना ये पता चलेगा जब आपका फैब का एंड होगा, ओ यार फैब ख़त्म हो गया, आप ये सोचेंगे। एंड ये मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है चीज़ें, इसलिए आप लोगों से बोल रही हूँ कि ईच एंड एवरी डे को यूटिलाइज़ करो। और जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मैंने नॉर्मली ऐसे पढ़ा है
है कि मतलब मैं 5 days बहुत ज़्यादा एक्सेस में पढ़ ली और 6th day मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ी या थोड़ा पढ़ी, तो ये चीज़ ना मैं बिल्कुल बोलूँगी बहुत गलत है। तो डेली अगर आप 4 to 5 hours भी पढ़ रहे हैं ना, तो ये बेस्ट है कि आप ये नहीं कि डेली 10 to 12 hours पढ़ें और एक दिन पूरा वेस्ट कर दें, ऐसा मत करो। मतलब कंसिस्टेंसी मेन होती है इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन के लिए, तो आप अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस करें। और पता है एक पॉइंट और है, मतलब ये जो वो टाइम चल रहा है जब है ना स्टूडेंट क्या होता है ना कि मल्टीपल टीचर्स को सर्च करने लगते हैं, लाइक जैसे मेरा ये टॉपिक बैकलॉग में रह गया तो मैं सोचती हूँ कि इस टीचर को फॉलो कर लेती हूँ, उन्होंने कम वीडियो में कराया है, या फिर इन टीचर को कर लेती हूँ मुझे समझ में नहीं आया है। तो यही वो टाइम है जहाँ पे आपको टीचर को फिक्स करना है, मतलब एक टीचर को ही फॉलो करना है, ये नहीं आप मल्टीपल टीचर को फॉलो करें। उससे क्या होता है ना कि कंटेंट ही आपका बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, बट उसमें होती सेम चीज़ है लेकिन आपको पढ़ने के लिए इतना चला जाता है ना टाइम कि जो मेन चीज़ आप उसको रिवाइज नहीं कर पाते। तो यहाँ पर अपने टीचर फिक्स कर लो जिससे करना है, अब लास्ट तक उसी से पढ़ना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि बीच बीच में आप बार बार चेंज करते रहें। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर कर ली थी अपनी केमिस्ट्री की डीपीज़, और मैं केमिकल काइनेटिक्स कर रही थी क्योंकि हमारी जो फिजिकल है ऑलमोस्ट डन होने वाली है, जो यकीन बैच में उन्हें पता ही होगा कि सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम बचा है और हमारी आने के रूप में चल ही रही है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, 2-3 chapters हैं जो बचे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने अपनी केमिस्ट्री कर ली है, मेरे पास टाइम था क्योंकि अभी जो है दिवाली पे क्लासेस हुई नहीं थी, तो मैक्सिमम टाइम हम पढ़ सकते थे। और आई होप कि आप लोगों ने भी अपना बैकलॉग कंप्लीट करने का ट्राई किया होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी में मतलब यकीन बैच के जो स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि सर कितने अच्छे से करा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही थी अपना फ़ोन यूज़, तो आप लोग पूछते हैं ना कि आप फ़ोन या फिर ये सब चीज़ें कैसे दूर रहती हैं, तो नॉर्मली मैं फ़ोन यूज़ नहीं करती, बीच में मुझे 5 या 10 minutes के लिए कभी मन करता है तो मैं यूज़ कर लेती हूँ, उससे अलग नहीं करती हूँ। और आजकल जब से मैंने चैलेंज स्टार्ट किया तो सच बोलूँ तो इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं वेस्ट करूँ। और मैंने यहाँ पर मॉर्फोलॉजी अपनी रिवाइज़ की, और एग्जाम्पल को आप डेली रिवाइज़ करना, सच में मुझे तो इतना अच्छा फील हो रहा है ना सर इस तरीके से करा रहे हैं, मतलब बेस्ट है। मुझे नहीं पता था लास्ट ईयर कि मतलब बायोलॉजी इतने अच्छे से पढ़ाते हैं वहाँ पर टीचर, अदरवाइज मैं लास्ट ईयर ही पढ़ लेती, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो आप स्टार्ट कर देते हैं, और साथ में डीपीज़ करना मत भूलना, क्योंकि डीपीज़ आप जब तक नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा जो टीचर ने आपको कराया है वो आपके माइंड में है या नहीं है। और सच में थैंक यू गाइस सो मच, आपके इतने पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं ना तो उससे मन भी करता है वीडियोस बनाने का, और फील भी होता है कि यार हम भी कुछ हैं, अदरवाइज़ तो हो ही गया था कि बेकार इंसान है, यूज़लेस। तो यहाँ पर मैं इन्जॉय कर रही हूँ अपनी चाय, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मुझे पढ़ते, और इस वक्त मैं कॉफ़ी नहीं पी रही हूँ। तो जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में, जब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और हाँ, जो लोग भी मतलब इस चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू करिए लास्ट तक, देखना आप 1 या 2 weeks ही भी फॉलो करके देखेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगी, है ना। और जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन्होंने day 1 से स्टार्ट किया, या जिन्होंने नहीं किया, अब दिवाली ओवर हो चुकी है तो अब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कुछ पॉइंट अगर आप लोगों को मुझसे पूछने हैं तो ज़रूर से कमेंट करें। बाय एवरीवन।